ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन की फिजिकल प्रॉपर्टी हमने लास्ट वाली क्लास के अंदर पढ़ी थी। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर कोई लोअर एल्डिहाइड या कीटोन है, ठीक है, तो वो क्या होता है, गैसियस फॉर्म के अंदर मिलता है, अगर मिडल है तो वो लिक्विड फॉर्म में मिलता है, अगर हायर है तो वो क्या मिलेगा आपको, सॉलिड फॉर्म के अंदर मिलेगा। ठीक है, स्मेल की अगर बात करें तो जो एल्डिहाइड्स होते हैं, लोअर एल्डिहाइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, अनप्लेजेंट स्मेल के होते हैं, एयर रुचिकर गंध रखते हैं। ठीक है, और जो हायर एल्डिहाइड या कीटोन या हायर कीटोन्स की अगर हम बात करें, स्पेशली हायर कीटोन जो क्या होते हैं, फ्रूटी स्मेल के होते हैं। ठीक है, अगर सोल्यूबिलिटी की बात करते हैं तो ये सोल्यूबल होते हैं, लोअर एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं वो सोल्यूबल होते हैं वाटर में, और हायर जो होते हैं वो सोल्यूबल होते हैं किसके अंदर, इथर बेंजीन इस तरह के सोलवेंट्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट जो आपने पढ़ा वो क्या था, बॉइलिंग पॉइंट, कि बॉइलिंग पॉइंट जैसे जैसे मास बढ़ता जाएगा आपके एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर, वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है। बॉइलिंग पॉइंट में एक चीज और है कि ये जो एल्डिहाइड और कीटोन है इनके बीच में क्या मिलता है, इंट्रा मोलिकुलर एसोसिएशन मिलता है, अंतरा आणविक संघनन मिलता है, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, अलग अलग एल्डिहाइड और कीटोन के मोलिक्यूल आपस में जुड़कर क्या बना देते हैं, एक एसोसिएशन बना देते हैं, जिसकी वजह से इनका बॉन्ड ब्रेक करने में हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, हायर होता जाता है। ठीक है, एक हमने पढ़ा था इसमें कि इसका डाइपोल मोमेंट कितना होता है कार्बोनिल कंपाउंड का, तो कार्बोनिल कंपाउंड है, डाइपोल है उसके अंदर, डाइपोल मोमेंट लगभग 2.5 से 8 के बीच में होता है, 7 से 8 के बीच में होता है। ठीक है, रिएक्टिविटी देखी थी हमने, रिएक्टिविटी में क्या है कि एल्डिहाइड जो कीटोन जो है वो जैसे जैसे इसके अंदर प्लस आई इफेक्ट बढ़ता जाता है, यानी जैसे जैसे आप हायर एल्डिहाइड कीटोन की तरफ बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा, और प्लस आई इफेक्ट अगर बढ़ता है तो कार्बोनिल कंपाउंड पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो कम होता जाता है, यानी उसकी रिएक्टिविटी कम होती जाती है और वो स्टेबल ज्यादा होता जाता है। ठीक है, जैसे जैसे आपका प्लस आई इफेक्ट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कार्बोनिल कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी और उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर कम होता जाएगा। तो हमने रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखा था कि आपका फॉर्मेलिडिहाइड जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, उसके बाद में एसिटिक एसिटाल्डिहाइड जो होता है, फिर उसके बाद में उसके बाद में कीटोन और एसीटोन, ये उसके बाद में आपके आगे के एल्डिहाइड और कीटोन, जैसे जैसे आपका आपने इंडक्टिव इफेक्ट यानी प्लस आई इफेक्ट जहां पर बढ़ाया वहां पर यहाँ ये जो कार्बोनिल है ये क्या होते हैं, स्टेबल हो जाते हैं और उनकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। ये हमने शॉर्ट या ब्रीफ के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी कार्बोनिल कंपाउंड्स की, ये आपको नोट्स के अंदर मिल जाएगी, आप उसमें लैंग्वेज देख लेना उसकी। ठीक है, अब आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शंस जो कि कार्बोनिल कंपाउंड्स की होती है। तो इन केमिकल रिएक्शंस में पहली हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, पहली हम पढ़ेंगे कौन सी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं अब हम एल्डिहाइड और कीटोन्स की, और इसके अंदर पहला जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड की, यानी ये क्या है, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। ये किसके लिए है, कार्बोनिल यौगिकों के लिए, कार्बोनिल यौगिक ये पढ़ रहे हैं हम यहाँ। ठीक है, तो कार्बोनिल यौगिकों के लिए नाभिक से ही योगात्मक अभिक्रिया किस तरह से काम करती है ये हमें अभी पढ़ना है। तो आपको पता है कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है, जिसके अंदर क्या हो, सी डबल बोन्ड ओ ग्रुप हो, अगर यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन है तो आपका क्या होता है, फॉर्मेलिडिहाइड होता है, यानी एक तरफ एल्किल ग्रुप है एक तरफ हाइड्रोजन अगर है, एक तरफ अगर आपका हाइड्रोजन रहता है तो फॉर्मेलिडिहाइड, अगर दोनों तरफ एल्किल ग्रुप रहता है तो वो क्या होता है, कीटोन होता है। ठीक है, तो यानी ये क्या है, इसमें मेन जो आपका ग्रुप है वो कौन सा है, ये कार्बोनिल है। ठीक है, अब इस कार्बोनिल के ऊपर जो आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है वो किस तरह से होता है, तो आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर चार्ज का सेपरेशन किस तरह से होता है, आवेश का
इसके ऊपर आवेश जो है वो किस तरह से विस्थापित होता है, तो कार्बन ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता किसकी ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के ऊपर हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा, ठीक है, और कार्बन के ऊपर क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। कैसे होगा ये, पाई बॉन्ड किस तरह से टूटता है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हमेशा किस तरफ ट्रांसफर होते हैं, ऑक्सीजन की तरफ, ठीक है। तो आपका ये जो कार्बोनियन है वो हमेशा किस फॉर्म में रहता है, इस फॉर्म में रहता है, यानी डाइपोलर फॉर्म है, ठीक है, दो पोल है इसके अंदर, दो पोल में कार्बन के ऊपर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर हमेशा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो कार्बन की तुलना में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव या विद्युत ऋणी होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है तो वो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, नाभिक स्नेही क्या होता है, जो नाभिक की तरफ आकर्षित होता है इसके खुद के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। खुद क्या होता है, ऋण आवेशित होता है, नाभिक की तरफ आकर्षित होता है, वो हमारा क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। अगर हम कोई भी न्यूक्लियोफाइल लेते हैं तो वो इस तरह से होगा, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब ये कैसे रिएक्ट करेगा कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर, आप देखो न्यूक्लियोफाइल है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, कार्बन ऑक्सीजन में से किसके साथ बंध बनाएगा, कार्बन के साथ, क्योंकि कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कार्बन यहाँ पर, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये कहाँ पे आके जुड़ेगा, इस कार्बन के साथ, ठीक है, और इस ओ नेगेटिव के साथ आके क्या जुड़ेगा, हाइड्रोजन आके जुड़ेगा, ठीक है, इस तरह से। ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, यानी नाभिक में ही योगात्मक अभिक्रिया, यानी नाभिक में ही आकर यहाँ पर जुड़ रहा है, योग हो रहा है, एडिशन रिएक्शन है, ठीक है। ये इस तरह से आपकी होती, यानी एक कार्बन के ऊपर आपका क्या जुड़ गया, एक तो हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है और एक कोई भी न्यूक्लियोफाइल जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होती है दो तरह की होती है, ठीक है, एक होती है आपकी एसिड कैटालाइज यानी अम्ल उत्प्रेरित, और एक होती है बेस कैटालाइज या क्षार उत्प्रेरित, ठीक है। दोनों को देखेंगे कि दोनों किस तरह से होती है, तो आप देखो, अच्छा इसमें एक चीज और ध्यान रखना कि इसके अंदर जो इंटरमीडिएट बनता है वो किस तरह से बनता है, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है, मतलब क्या है, सबसे पहले नाभिक स्नेही आके अटैक करेगा, ना कि इसका दूसरा पोर्शन। ये जो हमने पूरा मॉलिक्यूल लिया है इसमें से नाभिक स्नेही पहले अटैक करेगा, ना कि एच प्लस, ठीक है, इसलिए हम इस रिएक्शन को नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, इसलिए हमने इसे क्या कहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहा है, क्योंकि नाभिक स्नेही ही सबसे पहले आके अटैक करेगा। तो सबसे पहले स्टेप में अगर न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ पे अटैक कर रहा है, नाभिक स्नेही अगर आके यहाँ पे अटैक कर रहा है, तो हमारे पास इंटरमीडिएट बनता है ये, जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, और कार्बन जो है हमारा वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ये हमारा इंटरमीडिएट बनता है इस रिएक्शन के अंदर, यानी मध्यवर्ती बनता है इस अभिक्रिया के अंदर, मध्यवर्ती जो है वो ये बनता है, ठीक है, इंटरमीडिएट ये बनता है, ये चीज आपको ध्यान में रखना, ठीक है। और जो दूसरा स्टेप होता है, देखो पहले स्टेप में हमने क्या किया, न्यूक्लियोफाइल ऐड कर दिया, तो अगर कोई भी मॉलिक्यूल आप ले रहे हो उसमें से अगर आपने नेगेटिव चार्ज वाला पोर्शन ऐड कर दिया, यानी नेगेटिव चार्ज वाले पोर्शन को हमने न्यूक्लियोफाइल बोला, ठीक है, नाभिक स्नेही बोला, तो बाकी बचा हुआ पोर्शन क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन स्नेही होगा, यानी जो इलेक्ट्रॉन की तरफ आकर्षित होगा, यानी जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है वो कहाँ पे आके जुड़ जाएगा, इस नेगेटिव चार्ज वाली स्पीसीज के ऊपर आके जुड़ जाएगा। यानी फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, नाभिक स्नेही का योग, और दूसरे स्टेप के अंदर क्या होता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रॉन स्नेही का योग। इस तरह से हम इसे बोल सकते हैं कि आपका जो पहला स्टेप है इसके अंदर क्या हुआ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या नाभिक स्नेही का योग। और जो सेकंड स्टेप है इसके अंदर होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन या इलेक्ट्रॉन स्नेही का योग। ठीक है, आपसे अगर एग्जाम में सिंपल ये क्वेश्चन पूछे
कि कार्बोनिल कंपाउंड की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन या कार्बोनिल यौगिकों की नाभिक में ही योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है, उसकी मैकेनिज्म लिखो, क्रियाविधि लिखो, तो आप क्या करोगे, पहले स्टेप के अंदर ये रिएक्शन लिखोगे जिसके अंदर दो स्टेप है। एक है आपका क्या, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होगा, एक मध्यवर्ती बनेगा, उस मध्यवर्ती के ऊपर दूसरा जो स्टेप है वो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन या इलेक्ट्रॉन स्नेही का योग, और इससे आपका क्या बनेगा, ये प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा, ठीक है। अब इसके दो मेथड होते हैं, एक होता है एसिड कैटलाइज और एक होता है बेस कैटलाइज, यानी अम्ल उत्प्रेरित और क्षार उत्प्रेरित। ये क्या होता है इसको देखते हैं हम, दो तरह से ये रिएक्शन होती है कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर। एक होती है एसिड कैटलाइज, जिसके अंदर सबसे पहले जो हम किसमें एसिडिक मीडियम के अंदर करते हैं, यानी सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, H प्लस मिलेगा और उसका एडिशन होगा, और सेकंड में हमें क्या, जो बेस कैटलाइज रिएक्शन होती है वो क्या करेगा, वो H प्लस निकालेगा, लेकिन कहाँ से निकालेगा, जो आप रिएजेंट काम में ले रहे हो जिसमें कि न्यूक्लियोफाइल है, उससे एक H प्लस को ये बाहर निकालेगा, ठीक है। ऐसे होगा, देख लेते हैं हम इसको, आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। सबसे पहले है आपकी एसिड कैटलाइज, अम्ल उत्प्रेरित अभिक्रिया, ठीक है। अम्ल उत्प्रेरित अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, पहला जो स्टेप होगा वो क्या होगा, प्रोटोनेशन का, ठीक है। पहला जो स्टेप होता है वो क्या होता है, प्रोटोनेशन, प्रोटोनीकरण। प्रोटोनीकरण क्यों होता है, क्योंकि एसिडिक मीडियम ले रहे हैं, एसिडिक मीडियम का मतलब क्या है कि बहुत सारे H प्लस है हमारे पास, बहुत सारे प्रोटोन है हमारे पास, तो सबसे पहले वो प्रोटोन ही आके रिएक्ट करेंगे कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपका कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है, इसके ऊपर क्या होता है, एसिडिक मीडियम में H प्लस आके अटैक करेगा, ठीक है। H प्लस कहाँ पे आके अटैक करेगा, इस ऑक्सीजन पे, ठीक है। ये बॉन्ड बाद में टूटेगा, आप देखो पहले क्या होगा, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास क्या होता है, दो लोन पेयर होते हैं, ठीक है। ये लोन पेयर देगा किसको, H प्लस को, और यहाँ पर इसके साथ ये हाइड्रोजन जुड़ेगा और इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी कार्बोनिल कंपाउंड में ऑक्सीजन के ऊपर हाइड्रोजन जुड़ा, जो कि क्या था, एसिडिक मीडियम के कारण था, अम्लीय समूह के कारण था, और हमारे पास ये क्या मिल गया, प्रोटोनाइज्ड कार्बोनिल ग्रुप मिल गया, ठीक है। ये क्या मिला हमें, प्रोटोनाइज कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। ये क्या है, प्रोटोनीकृत कार्बोनिल समूह, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा कि ये जो आपका कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है ये टूटेगा, ठीक है। इसमें इसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज्यादा है ऑक्सीजन, तो ये हमेशा टेंडेंसी रखता है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले और अपने पॉजिटिव चार्ज को कम से कम रखे या मिनिमम रखे या जीरो रखे। तो ये क्या करेगा, इस डबल बॉन्ड यानी पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ट्रांसफर कर लेगा, तो ये बन गया COH, और इस कार्बन पे आ जाएगा क्या, पॉजिटिव चार्ज, जो हमारा क्या बना, इंटरमीडिएट, यानी जहां पर हमारा न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए आपको सबसे पहले चाहिए क्या, एक कार्बोकेटायन चाहिए, ठीक है, एक कार्बोकेटायन चाहिए। कार्बोकेटायन यहाँ पर हमें कैसे मिल रहा है, एसिड कैटलाइज अगर रिएक्शन है, अम्ल उत्प्रेरित अगर अभिक्रिया है, तो उसमें सबसे पहले H प्लस आके जुड़ेगा, पाई बंद यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन का टूटेगा और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप में इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर देगा किसके ऊपर, इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये जो आपका कार्बोकेटायन है इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा, ठीक है, और यहाँ पर ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ये हमारी क्या है, एसिड कैटलाइज रिएक्शन है, दो स्टेप के अंदर हो रही है, एक आपका प्रोटोनेशन का है, दूसरा आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का है, यानी न्यूक्लियोफाइल आकर यहाँ पर एड हो रहा है, ठीक है। ये हमारी क्या है, एसिड कैटलाइज रिएक्शन है, अम्ल उत्प्रेरित अभिक्रिया है।
ठीक है, आया समझ में? अब सेकंड इसके अंदर क्या होगी, बेस कैटलाइजेशन, क्षार उत्प्रेरित अभिक्रिया, वो क्या होती है? हाँ क्षार उत्प्रेरित अभिक्रिया में क्या होता है कि जो हम बाहर से रिएजेंट लेते हैं उसमें से पहले एच प्लस बाहर निकलेगा, जो कि कौन लेके जाएगा, क्षार या बेस लेके जाएगा। ये क्या होती है, हमारी बेस कैटलाइज रिएक्शन होती है। तो इसके अंदर क्या होता है कि आपका सबसे पहले जो रिएजेंट है इसमें से ये बेस क्या करेगा, एच प्लस को बाहर निकाल देगा, ठीक है। और ये आपका क्या बना, न्यूक्लियोफाइल बना। और ये न्यूक्लियोफाइल जो है ये किस पे अटैक करेगा जाके, कार्बोनिल कार्बन के ऊपर जाकर अटैक करेगा, ठीक है। और किस तरह से होगा कि ये कार्बोनिल कार्बन है, ठीक है, इसमें क्या होता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, या फिर हम ये कह सकते हैं सिंपल इसको लिखो, ये हमारा क्या है, कार्बोनिल कार्बन है, ठीक है, इस पे न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड टूटेगा, इसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे किसके, ऑक्सीजन पे, ये आ जाएगा ओ माइनस और ये आ जाएगा एन, ठीक है। अब ये जो एच प्लस यहाँ से बचा, यहाँ से बेस में जो एच प्लस निकाला वो आके जुड़ेगा किसके ऊपर, इस ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है। इस तरह से ये रिएक्शन होगी, ये बेस कैटलाइज रिएक्शन है हमारी, ठीक है, आई समझ में? अब देखो इसमें एक चीज और ध्यान रखने वाली है कि जैसे हमने फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर पढ़ा था कि कौन से कार्बन कंपाउंड जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, कौन से कार्बन कंपाउंड कम रिएक्टिव होते हैं, तो उसके लिए हमने एक तो पढ़ा था प्लस आई इफेक्ट, कि जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट कार्बन के ऊपर बढ़ता जाता है वैसे वैसे इसकी रिएक्टिविटी कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि तो कार्बन के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, इस तरह से होता है। इसके ऊपर हम जितने भी एल्किल ग्रुप बढ़ाते जाए उतना ज्यादा इस पे क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट होगा। जब यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट होगा तो ये जो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज है धन आवेश है, ठीक है। धन आवेश का मतलब क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ये डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन की कमी से। तो अगर हम प्लस आई इफेक्ट दे रहे हैं, प्रेरणिक प्रभाव दे रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट दे रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं इस कार्बन को, ठीक है। तो यहाँ पर इसका पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ये क्या होगा, कार्बन न्यूट्रल कार्बन की तरफ शिफ्ट होता जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर कार्बन के जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज कम होता जाएगा ये जीरो की तरफ जाएगा, ठीक है, उतना ये ज्यादा क्या होता जाएगा, स्टेबल होता जाएगा, स्थाई होता जाएगा। तो हमें ये पता है कि कोई भी मॉलिक्यूल के अगर ऊपर कोई चार्ज नहीं है, कोई भी आवेश नहीं है, तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, जितना उसके ऊपर चार्ज होता है उतना ही वो ज्यादा अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है। तो यहाँ भी यही चीज है कि अगर हम प्लस आई इफेक्ट बढ़ा रहे हैं तो ये इसके प्लस चार्ज को कम कर रहा है, अगर ये चार्ज इस पे आवेश इस पे कम हो रहा है तो कार्बन क्या होता है, धीरे धीरे स्टेबल होता जाता है, स्थायी होता जाता है। और अगर ये स्थायी होता जाता है तो ये क्या करेगा, अगर ये स्थायी होगा तो ये क्या करेगा, रिएक्टिविटी इसकी जो है, क्रियाशीलता जो है वो इसकी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। एक तो इफेक्ट होता है ये कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर, एक इफेक्ट पड़ता है किसका, प्लस आई का, यानी इंडक्टिव या प्रेरणिक प्रभाव का प्लस आई इफेक्ट, जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, इसका धनावेश कम होता है, ये उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है और इसकी रिएक्टिविटी उतनी ही कम होती है, ठीक है। दूसरा इसके ऊपर इफेक्ट आता है माइनस आई के, ठीक है। माइनस आई के अंदर क्या होता है कि ऐसे कंपाउंड जोड़ दें हम इस कार्बोनिल कार्बन के साथ, इंडक्टिव इफेक्ट है, ठीक है, माइनस आई है। जैसे हमने इस कार्बन के साथ नाइट्रो ग्रुप जोड़ दिया, ठीक है, एक एल्किल ग्रुप है, एक नाइट्रो ग्रुप है, तो इस नाइट्रो ग्रुप का क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट होता है। तो माइनस आई में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट ज्यादा करता है, ठीक है। अगर ये अपनी तरफ अट्रैक्ट ज्यादा करेगा इस नाइट्रो ग्रुप को, तो इस कार्बन के ऊपर क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाता है, जितना ज्यादा इसके ऊपर आवेश बढ़ेगा ये उतना ही कम स्टेबल होगा और ये उतना ही ज्यादा क्या होगा, रिएक्टिव होगा। यानी अगर हम प्लस आई इफेक्ट बढ़ाते हैं तो आपकी रिएक्टिविटी, क्रियाशीलता जो है वो क्या होती है, कम होती जाती है, ठीक है। और अगर हम प्लस आई इफेक्ट बढ़ाते हैं तो हमारी रिएक्टिविटी या क्रियाशीलता जो है वो क्या होती है, बढ़ती जाती है, ठीक है। यहाँ पे ये रिएक्टिविटी क्या है, क्रियाशीलता,
के कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर अगर कोई भी रिएक्शन होती है, या हम बात करें पर्टिकुलर इस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की, नाभिक ने ही अभियोगात्मक अभिक्रिया की, तो इसमें क्या है, अगर इस कार्बोनिल कार्बन के साथ कसा इफेक्ट वाले ग्रुप जुड़ते हैं तो ये स्टेबल होता जाता है, रिएक्टिविटी इसकी कम होती जाती है। माइनस आई ग्रुप वाले जुड़े हैं तो इससे क्या होता है, ये अनस्टेबल होता जाता है, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज बढ़ता जाता है और इसकी रिएक्टिविटी भी क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, एक और इफेक्ट होता है स्टेरिक इफेक्ट, या फिर जिसे हम क्या कहते हैं, त्रिविमीय प्रभाव। स्टेरिक इफेक्ट, या इसे क्या कहते हैं, त्रिविमीय प्रभाव। अब इसके अंदर क्या होता है, स्टेरिक इफेक्ट के अंदर क्या होता है कि अगर ये जो ग्रुप जुड़े हुए हैं दोनों, ये बहुत ज्यादा बल्कियर है, बहुत ज्यादा बड़े हैं, यानी ये क्या करते हैं, ये जैसे ये एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो एल्किल ग्रुप की जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, टेट्राहेड्रल होती है, या फिर हम ये कहें कि ये जो न्यूक्लियोफाइल जुड़ा, ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल जुड़ के ये जो पूरी स्ट्रक्चर बनी, ये क्या बनी, ये जो कार्बन की स्ट्रक्चर बनी, सॉरी, ये क्या बनी, टेट्राहेड्रल, ये चतुष्फलकीय बनी। ठीक है, ये क्या बनती है, टेट्राहेड्रल बनती है। तो ये जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, इसके अंदर अगर आप बड़े ग्रुप लेते हैं, बहुत ज्यादा बल्कियर ग्रुप लेते हैं, तो ये क्या होता है, अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो अगर अनस्टेबल है तो उसकी रिएक्टिविटी जो होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है। इंटरमीडिएट स्टेबल ज्यादा हो तो रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, ठीक है, और इंटरमीडिएट यानी मध्यवर्ती अगर स्टेबल कम हो तो रिएक्टिविटी या क्रियाशीलता भी कम होती है, ये भी याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो आपकी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनती है, चतुष्फलकीय संरचना बनती है, इसके अंदर अगर हम बल्कियर ग्रुप लेते हैं, बहुत ज्यादा बड़े ग्रुप लेते हैं, जिसकी त्रिविम बाधा होती है, स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, जिसकी वजह से उनमें क्या होता है, ये जो इंटरमीडिएट है वो अनस्टेबल हो जाता है, तो आपकी रिएक्टिविटी भी कम हो जाएगी। ठीक है, और अगर यहाँ पर स्टेरिक नहीं है, त्रिविम बाधा नहीं है, तो ये क्या होता है, स्टेबल होता है, तो इसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये तीन फैक्टर थे जो इफेक्ट करते हैं इस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया, बाकी इसकी लैंग्वेज आपको नोट्स के अंदर मिल जाएगी, लैंग्वेज लिखवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद एक और पॉइंट है आपका कि एरोमेटिक अगर एल्डिहाइड या कीटोन ले तो उसकी एक्टिविटी कितनी कैसी होती है, एलिफेटिक से कम होती है या ज्यादा होती है, वो हमें देख। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर हम कोई भी एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन ले, उसकी रिएक्टिविटी या क्रियाशीलता एलिफेटिक से कम होती है या ज्यादा होती है, किस तरह से होती है वो देखना है। तो देखो, अगर हम कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड लेते हैं, जैसे हमने ये ले लिया, ठीक है, ये चौथा ग्रुप आपका अगर हाइड्रोजन है तो ये एल्डिहाइड होगा, एल्किल ग्रुप है तो ये कीटोन। ठीक है, तो अब इसमें देखना है आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर, तो कैसे देखोगे कि हम ये देखते थे कि कार्बन के ऊपर जुड़े हुए जो दोनों ग्रुप्स हैं, दोनों समूह जो हैं, वो अगर इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाते हैं तो ये अनस्टेबल हो जाता है, इसकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है, ठीक है, रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। लेकिन अगर ये चार्ज को कम कर रहा है, यानी ये प्लस आई इफेक्ट दे रहा है, तो ये स्टेबल हो जाता है, इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। यहाँ पे देखो किस तरह से रिएक्शन होती है, ये पॉजिटिव चार्ज का, ये नेगेटिव चार्ज का, ठीक है, ये हम पाई बंध तोड़ते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर ये जो पाई बॉन्ड है, मतलब ये जो पूरा हमने बेंजिल समूह यहाँ पर जोड़ा है, सॉरी, फेनिल समूह यहाँ पे जोड़ा है, तो ये क्या करता है, ये माइनस आई इफेक्ट देता है एक तरह, ठीक है, ये क्या करता है, एक तरह से माइनस आई इफेक्ट देता है, ये क्या करता है, ये क्या करेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड बना देगा कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा इस पूरे बेंजीन रिंग के ऊपर, इस वाले कार्बोनिल कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज को ये क्या कर देगा, जीरो या बहुत कम। ठीक है, अगर यहाँ पर चार्ज कम हुआ तो ये स्टेबल हुआ, और अगर ये स्टेबल हुआ तो इसकी रिएक्टिविटी या क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ पर फेनिल समूह जोड़ते हैं किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन के अंदर, यानी एरोमेटिक अगर एल्डिहाइड या कीटोन हम लेते हैं, तो वो क्या करता है, वो इसकी कार्बोनिल समूह की रिएक्टिविटी या क्रियाशीलता को बहुत ज्यादा कम कर देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एलिफेटिक कंपाउंड थे उनके कंपैरिजन में इनकी क्रियाशीलता क्या होती है, कम होती है। अगर हम कोई भी एलिफेटिक एल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं तो उसकी रिएक्टिविटी जो है या क्रियाशीलता जो है वो हमेशा कम
ज्यादा होती है, ठीक है। और एरोमेटिक की कम होती है, क्यों? एरोमेटिक में ये जो बेंजीन रिंग है, इसके पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के धन आवेश को, पॉजिटिव चार्ज को कम कर देता है, उसको न्यूट्रल कर देता है, यानी स्टेबल बना देता है इसको। अगर ये स्टेबल है तो इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, एक तो आपका ये पॉइंट हो गया कि अगर हम एरोमेटिक कंपाउंड लेते हैं, ठीक है, तो एरोमेटिक कंपाउंड जो है उसकी वजह से कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी या क्रियाशीलता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, एक और पॉइंट है इसके बाद में कि कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिटी किस में ज्यादा होती है? एल्डिहाइड में या कीटोन में, या किस तरह के एल्डिहाइड या किस तरह के कीटोन में, ये हमें देखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या? अल्फा एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन की अम्लीयता। एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन या अल्फा हाइड्रोजन की अम्लीयता। अब इसके अंदर देखो, ये एक लास्ट टॉपिक बचा है, उसके बाद में हम सारी रिएक्शंस पढ़ेंगे, जो भी केमिकल रिएक्शंस है एल्डिहाइड और कीटोन की, ठीक है। इसमें क्या देखना है कि अगर कोई कार्बोनिल कार्बन है, ठीक है, तो कार्बोनिल कार्बन के पास वाला कार्बन कौन सा होगा? अल्फा कार्बन। उस अल्फा कार्बन की आपको अम्लीय प्रवृत्ति देखनी है, क्योंकि कार्बोनिल कार्बन जो है वो तो क्या बनाएगा, या तो एल्डिहाइड बनाएगा या फिर कीटोन बनाएगा, ठीक है। एक जो पोजीशन है उससे तो एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा, दूसरा जो इसके साथ जुड़ा हुआ है यानी अल्फा कार्बन, या तो इधर वाला या इधर वाला, कोई भी एक अल्फा कार्बन या कोई भी दोनों अल्फा कार्बन कीटोन में, ठीक है। कीटोन में दोनों तरफ क्या होते हैं? कार्बन होते हैं, तो कीटोन के अंदर दोनों अल्फा कार्बन है, तो उसके हाइड्रोजन को निकालने की टेंडेंसी कैसी होती है, यानी उस अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिटी कितनी होती है। और अगर हम एल्डिहाइड की बात करते हैं तो एल्डिहाइड में एक हाइड्रोजन होता है, एक एल्किल ग्रुप होता है, तो इसका ये जो अल्फा कार्बन है इसके ऊपर जुड़े हुए हाइड्रोजन की एसिडिटी कितनी होती है, किसकी ज्यादा होती है, ये हमें यहाँ पर देखना है, ठीक है। तो आप देखो कि अगर हम एल्डिहाइड की बात करते हैं, तो एल्डिहाइड में सिर्फ एक अल्फा कार्बन होता है, कीटोन में दो अल्फा कार्बन होते हैं, इस तरह से देखो आप। अगर हम बात करें एल्डिहाइड की, जैसे हमने ये ले लिया एसिटाल्डिहाइड, ठीक है, इसमें क्या है? अल्फा कार्बन ये है, अल्फा कार्बन पे क्या है? तीन हाइड्रोजन है, तो ये तीनों हाइड्रोजन क्या करेंगे? एसिडिक नेचर शो करेंगे, अम्लीय प्रवृत्ति शो करेंगे, ठीक है। ये आसानी से क्या होता है, बाहर निकल जाते हैं। कैसे निकलेंगे अभी बताती हूँ आपको। एक हमने ले लिया मान लो एसीटोन, ठीक है, एसीटोन में ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, यानी यहाँ पर 6 एसिडिक प्रोटोन है इस कीटोन के अंदर। एसिडिक नेचर किसका ज्यादा होगा? कीटोन का ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि अगर हम क्या करें, इस अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन को हम निकाल दें, हाइड्रोजन एच प्लस की फॉर्म में बाहर निकलता है, यानी एच प्लस अगर बाहर निकले किसी मॉलिक्यूल से, तो हम ये कहते हैं कि ये मॉलिक्यूल क्या है? अम्लीय है, ठीक है। और ये अम्लीय हाइड्रोजन कहाँ से निकल रहा है? अल्फा कार्बन से निकल रहा है, इसे ही हम क्या कहते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन की ये क्या है? एसिडिटी। होता क्या है, इसमें से एच प्लस निकलता है और ये इलेक्ट्रॉन जो है दोनों ये ट्रांसफर हो जाते हैं किसमें? कार्बन और कार्बन के बीच में, ठीक है। तो ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है ये हमारा टूटता है और इससे क्या बनता है? ये CH2 डबल बॉन्ड CO- है, ठीक है। ये हमारा कंपाउंड बनता है इसके द्वारा, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या है कि जब भी हमने यहाँ से एच प्लस को निकाला, एच प्लस निकाला, तो इस कार्बन के ऊपर क्या आया? नेगेटिव चार्ज आया, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज क्या करता है? एल्कीन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, ईन बना देता है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो आपका बना, ये क्या है? इनओलेट, ठीक है। इनओलेट कैसे? कि ये हमारा क्या है? ईन किसकी वजह से? इस डबल बॉन्ड की वजह से। ऑन किसकी वजह से? कि ये हमारा क्या है? कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है। कार्बोनिल कंपाउंड को हम किससे लिखते हैं? ऑन से, ठीक है। अगर कीटोन होता है तो उसको हम ऑन से लिखते हैं, ठीक है। और इनो नेट क्यों? क्योंकि
ये जो है नेगेटिव चार्ज की स्पीसीज है, तो इसके लिए पीछे हमारे क्या लगाया जाता है, एच लगाया जाता है। यानी यहाँ पर जब इन अल्फा हाइड्रोजन ये बाहर निकलते हैं, यानी इन अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिटी के कारण यहाँ पर फॉर्मेशन होता है किसका, इनोलेट का। ठीक है, और इनोलेट केमिस्ट्री एक पूरी एक ब्रांच है केमिस्ट्री की, जिसके अंदर हम एल्डिहाइड, कीटोन या फिर इन कार्बन कंपाउंड के जितने भी डेरिवेटिव्स हैं उन सबके आप इनोलेट बना सकते हो। इस एनोलेट से बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सिंथेसाइज किए जाते हैं, बहुत सारी रिएक्शन यहाँ पे होती है। बहुत सारी रिएक्शंस यहाँ पे होती है, तो इसके अंदर ये हमारा बनता है। ठीक है, ये एल्डिहाइड है, लेकिन आप एक चीज देखो कि इनको इनोल से लिखा है हमने, सिर्फ ओन से नहीं लिखा। अगर एल्डिहाइड कीटोन होता, सॉरी, तो हम लिखते ओन से, ठीक है, और एल्डिहाइड होता है तो हम किससे लिखते, एल से। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि हमने ऐसे कोई भी कंपाउंड लेते हैं, अगर हम इसका भी इनोलेट बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, ये एक आपका हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकलता है, ये वाला हाइड्रोजन निकला, तो ये क्या करेगा, ये इस तरह से रिएक्ट करेगा, ये CH2 डबल बॉन्ड O माइनस और CH2। ठीक है, ये बनता है, ये भी क्या है, एक तरह का इनोलेट है। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, एक तरह से कंबाइंड करके छोड़ में नाम बनाते हैं इसका, कि अगर कोई कंपाउंड जिसके अंदर एक एल्कीन है, अल्फा कार्बन के साथ एल्कीन बनी हुई है, और उसके ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यानी ये क्या है, एक एनायन है, तो इसको नाम दिया जाता है इनोलेट। ये एन नहीं आ गया, ठीक है, इनोलेट, इन दोनों का कंबाइंड फॉर्म बनाया है ये हमने ओल। ठीक है, इन ओ ओल ये, और इसके साथ एट इसलिए लगाया जाता है क्यों, क्योंकि ये क्या है, एनायन। ठीक है, ये चाहे एल्डिहाइड का बने चाहे ये कीटोन का बने, आपको बस ये देखना है कि अगर अल्फा कार्बन के साथ ये कार्बोनिल कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है और इसके ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो वो इनोलेट फॉर्म होती है उस कार्बोनिल कंपाउंड की, उस एल्डिहाइड की या फिर उस कीटोन की। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये दोनों ही एल्डिहाइड और कीटोन ये दोनों ही क्या करते हैं, एसिडिक नेचर शो करते हैं, लेकिन एसिडिक नेचर ज्यादा किसका होता है, कीटोन का होता है, क्योंकि इसका अल्फा हाइड्रोजन के नंबर किसके ज्यादा है, अल्फा हाइड्रोजन के नंबर किस में ज्यादा है, कीटोन में ज्यादा है। ठीक है, एल्डिहाइड के कंपैरिजन में, ठीक है, तो बनाते दोनों ही इनोलेट है, लेकिन अम्लीय हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन इसके अंदर तो तीन ही है, लेकिन इसके अंदर क्या है, छह है, एसिडिक नेचर किसका ज्यादा होगा, कीटोन का ज्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पर ये टॉपिक क्या बता रहा है कि जो आपके एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं उनके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, जो कि किस पे होता है, अल्फा कार्बन के ऊपर होता है। ठीक है, अब अल्फा कार्बन जिस पे जितने ज्यादा होंगे वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा, और अगर ये कंपाउंड एसिडिक नेचर शो कर रहे हैं, यानी ये अल्फा हाइड्रोजन को बाहर निकाल रहे हैं, तो ये क्या बनाते हैं, इनोलेट बनाते हैं, चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे वो कीटोन हो। ठीक है, ये है हमारी क्या लास्ट टॉपिक था इसका, ये इनोलेट सॉरी सॉरी एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अब हमारी सारी क्या है, रिएक्शंस हैं। ठीक है, जो हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे ये नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टार्ट करेंगे अपने, जिसमें कंडेंसेशन रिएक्शन या संघनन अभिक्रियाएं स्टार्ट करेंगे। कंडेंसेशन रिएक्शन बहुत सारी है आपके सिलेबस में, एल्डोल कंडेंसेशन है, परकिन है, नोवल जेल है, बेंजोइन है। ठीक है, सबको हम विद मैकेनिज्म डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और एक चीज और आपको याद रखनी है यहाँ पे, कि ये जो इनोलेट है ये बनेंगे, जितने भी कंडेंसेशन रिएक्शन यहाँ पर होगी उसमें ये इनोलेट फॉर्मेशन होगा। ठीक है, जितने भी ये जो कंडेंसेशन रिएक्शंस आएगी उन सब में ये इनोलेट बनता है, इसलिए मैंने कहा कि इनोलेट केमिस्ट्री जो है वो एक पूरी ब्रांच है केमिस्ट्री की, जिसमें सारे कार्बनिक कंपाउंड क्या है वो क्या बनाते हैं, इनोलेट बनाते हैं, और इनोलेट से बहुत सारे ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स को हम सिंथेसाइज करते हैं, जो उसकी डे टू डे लाइफ में हमारे काम में आते हैं। ठीक है, यूवी के तो मैंने प्रोवाइड करवा